दिल्ली में बीजेपी का बोरिया बिस्तर पैक हुआ। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाई। झारखंड में भी बीजेपी ने मुंह की खाई। बीजेपी को शिकस्त देने वाली रणनीति तैयार करने वाला शख्स हर एक ही है, और वो शख्स कोई और नहीं प्रशांत किशोर हैं, जिनकी रणनीति से खुद पीएम नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा, या यूं कहें या उनसे छुड़वाया गया, तो वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ गए। इसके बाद प्रशांत किशोर जिस जिस प्रदेश में गए, वहां बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी। प्रचार की ऐसी रणनीति तैयार करना जो मतदाताओं को रिझा ले, लोक मुद्दों पर पूरी रिसर्च और ऐसे जुमले तैयार करना जो लोगों के दिल में उतर सके। दिल्ली में लगे रहो केजरीवाल का जुमला उछाला और पूरा चुनाव केजरीवाल के काम के ऊपर फोकस कर दिया। बहुत तरीके से उन मुद्दों से केजरीवाल को दूर रखना जिनका सीधा मुकाबला पीएम मोदी से हो। प्रशांत किशोर की राजनीतिक सूझबूझ और चतुर रणनीति का नतीजा कहा जा सकता है, जिसने केजरीवाल को जीत दिलाई। अब सुना है प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का साथ देने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो बहुत संभव है कि आने वाले चुनाव से पहले ही वहां पर वो बीजेपी की जमीन कमजोर कर दें। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslifemp.com।